नमस्कार दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ सुबह सुबह मैं अपनी वर्कशॉप पे। अब देखेंगे मेरा वर्कशॉप है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। तो सबसे पहले वर्कशॉप के अंदर एंट्री करते हैं। ये विजय भाई साहब बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये वर्कशॉप दो पार्ट में डिवाइड है। पीछे की साइड में जो है टैटू का वर्कशॉप है और आगे वाला जो हिस्सा है मोबाइल का है। यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है और जो भी एक्सेसरीज है वो बेचा जाता है। ये वाला डिपार्टमेंट जो है विजय भाई साहब का है, वो संभालते हैं, और टैटू का काम जो है मैं संभालता हूँ। चलिए मैं आपको अपना वर्कशॉप दिखा देता हूँ। वैसे तो वर्कशॉप आपने मेरा कुछ पीछे कुछ वीडियो में शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक स्लाइडर गेट है सबसे पहले, और बीच में एक पार्टीशन भी हमने कर रखी है। यहाँ से जो है विजय भाई अंदर यहाँ से जाते हैं। इधर का पूरा एरिया जो है वो मोबाइल का काम है। उसके बाद एक स्लाइडर और है, उसके बाद हम यहाँ एंट्री करते हैं। और ये है मेरा वर्कशॉप। पहले आने के बाद जो है सारी लाइट जलाता हूँ और काम वाली का इंतजार करता हूँ। काम वाली जो है 9:30 बजे तक आ जाती है, कभी कभी 10 बजे तक भी आती है, उसकी मर्जी है भाई। काम वाली का आजकल ऐसा ही है, एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिलती है तो उनका टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है। अब मेरा सेटअप देखिएगा कैसा बना हुआ है वर्कशॉप का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहेंगे कि किस तरीके से जो सब कुछ गंदा सा हो रखा है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और लास्ट टाइम जो उन्होंने प्रैक्टिस किया तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, गंदा छोड़ दिया, तो ये सब होता रहता है। और ये जो है बेड है, और ये वाला जो टेबल है मेरा वर्किंग टेबल है। अगर मैं मुझे कुछ बेड पे कहीं काम करना होता है तो इस पे जो है मैं इसको सेट करता हूँ। मेरा अपना सेटअप जो है इसी पे सेट होता है। सेल्फी स्टिक थोड़ी ख़राब हो गई है, ढीली सी हो गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो इसी तरीके से मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और ये मेरा जो है टेबल है कंप्यूटर वाला, यहाँ पे मैं जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह है सब यहीं पे करता हूँ। और साथ ही मुझे जब काम करना होता है अपना सेटअप भी जो है मैं यहीं पे लगाता हूँ। तो मेरा वर्कशॉप का जो भी जो मेरा काम करने जो भी सेटअप होता है वो मेरा वहीं पे होता है। और ये देखिए पूरा जो वर्कशॉप है कैसा है, मेरा इंटीरियर कैसा है। पीछे की साइड में जो है टॉयलेट बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्दा लगा रखा है। टॉयलेट जो है वैसे ही चारों तरफ से दीवार है उसमें, फिर भी ऐसा खुला अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके लिए पर्दा लगा रखा है। और मैंने सामने पीछे आप लाइट देख रहे हैं ट्यूबलाइट्स, ये जो है जब मैं वीडियो शूट करता हूँ आपके लिए जो लाइसेंस तैयार करता हूँ उसके लिए ये मुझे लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है जब मैं काम करता हूँ। तो इस तरीके से पूरा सेटअप है मेरा। और यहाँ पे इंक्स वगैरह हैं, ग्लव्स हैं, टिश्यूज़ हैं, नीडल्स हैं, हर तरह का सारा सामान जो मेरे पास, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसी टेबल पर बैठ कर काम करता हूँ तो क्लाइंट को देखना भी होता है और यहीं पे डिज़ाइनिंग वगैरह सब हो जाती है, साथ में यहाँ पे काम भी हो जाता है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए, काम को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है सारा सेटअप यहीं पे बना रखा है। नीडल्स भी यहीं पे है, ग्लव्स वगैरह, एवरीथिंग जो भी मुझे जरूरत पड़ता है काम करने के लिए सब कुछ मैंने यहीं पर रखा हुआ है। और इधर आप दीवार पर देख रहे होंगे दो पेंटिंग्स हैं, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है, कैलीग्राफी पेंटिंग कहते हैं इसको। और ये शिवा का स्केच है, जो पेंसिल स्केच है वो भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है। और इस तरफ आप देखेंगे तो सामने सैंपल्स देख रहे हैं आप, सारे फेक स्किन के सैंपल्स बने हुए हैं। ये जब मैं एक टैटू की ट्रेनिंग ले रहा था तब के सैंपल्स हैं ये, उस टाइम जो है मैंने ये सब बनाया था प्रैक्टिस के टाइम। और साथ में आप मेरे सर्टिफिकेट्स देखेंगे, ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मैंने ट्रेनिंग के दौरान लिए थे। और ये लोगो भी आप जब देख रहे हैं ये भी मैंने खुद ही बनाया है, इसमें हार्डबोर्ड और थर्मोकोल का यूज़ किया हुआ। तो इस तरीके से मेरा वर्कशॉप का जो सेटअप है, डिज़ाइन है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वर्कशॉप कैसा लगा। हमारी काम वाली आ चुकी है और जब तक ये झाड़ू पोछा लगाती है तब तक मैं बाहर वेट करता हूँ, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाता है झाड़ू पोछा करने में। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता इसलिए मैं बाहर ही चला जाता हूँ, बाहर गेट के बाहर थोड़ा रोड पर खड़ा हो जाता हूँ ताकि आराम से जो है काम वाली काम कर सके। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर खड़ा होता हूँ जब तक ये साफ़ सफाई कर लेती हैं।
तो दोस्तों आज हम इस टैटू को कवर अप करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे शिवा का एक बना हुआ है और सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि सही से बना हुआ नहीं था। तो इस टैटू को कवर अप करने के लिए हमारे पास जो है शिवा का एक और डिज़ाइन है जो इससे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कवर अप करते हैं और कवर अप होने के बाद ये क्या परफेक्ट कवर अप होता है कि नहीं होता है, उसको आज देखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टैटू कंप्लीट हो गया है, कवर अप भी हो गया है। कमेंट में बताइएगा कि कवर अप सही से हुआ है कि नहीं हुआ है और ये टैटू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। स्किन डार्क टोन है और डार्क टोन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शेडिंग में स्पेशली। आज दो टैटू और भी बनाए हैं मैंने, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा बना हुआ है। कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। स्मॉल टैटू है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। ओम नमः शिवाय लिखवाया है एक लेडी ने और एक लड़का आया था, उसने जो है अपने बाइसेप्स के साइड में एक छोटा सा प्यारा सा टैटू बनाया है। बताइएगा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके लिए मैं बेसिक टू एडवांस का लेसन भी लेके आ रहा हूँ जो हमेशा 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को अपलोड होता है। तो उसको भी टाइम थोड़ा मिल गया था तो मैंने एक लेसन रिकॉर्ड कर लिया है और इसी तरीके से मैं जब समय मिलता है तो अपने लेसन जो है रिकॉर्ड करते रहता हूँ ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। तो दोस्तों रात के 8:30 हो चुके हैं, अब जो है छुट्टी का टाइम हो गया है तो चलते हैं घर की तरफ। आज का काम जो है काफी हो चुका है, सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। मैं चलता हूँ भाई साहब। बाय बाय। तो हम चलते हैं, बाकी काम जो है विजय का, अपना विजय अपना जो है काम खत्म करके आ जाएगा और मैं चलता हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों हमारी मम्मी आइसक्रीम खा रही हैं, दांत ना होने की वजह से थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा है। दांत मम्मी के सारे टूट चुके हैं इसलिए थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा है। देखो क्या रिएक्शन है। और मैं अपने तीनों आइटमों को देख रहा हूँ, तीनों आइटम जो है अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई और कोई काम धंधा नहीं होता रात को, बस जैसे टाइम मिला
तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और अपने मोबाइल में लग जाते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।